मोदी का देश नहीं है, अमित शाह का देश नहीं है, योगी का देश नहीं है। चार सालों में जितना महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, जितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसे बेमिसाल चार साल पर उनको शर्म से डूब मरना चाहिए योगी जी को, कि मोदी सरकार क्या है। ये देश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत लुट चुकी है, बहुत पिट चुकी है। इस देश के अंदर हम कह रहे हैं किसी भी हिस्से में, किसी भी देश के हिस्से में आप सीए एनआरसी लागू करके दिखाइए, इस देश की जनता आपको सही जवाब दे देगी। अभी तक तो आपने शाहीन बाग में महिलाओं की ताकत देखी है, अब इस देश के किसान आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो चुके हैं। अगर 2024 में आप दो पर ना पहुंच जाएं, तो इस देश की जनता भी के अंदर भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का खून नहीं है। इस देश पूंजीपतियों का नहीं है, मोदी का देश नहीं है, अमित शाह का देश नहीं है, योगी का देश नहीं है, देश है गरीब मजदूर जनता का। इसलिए हम अपने देश का ठेका उठाएंगे। देखिए जितने भी दिन हो जाएं, देखिए जो सत्ता है ना आज हमारे देश में, जो सत्ता है ये बहुत मजबूत है, इनके पास पुलिस है, इनके पास मिलिट्री है। इसलिए उस सत्ता से लड़ने के लिए हमें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की जरूरत है, और ये आंदोलन जो है वो चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और ये मजबूती प्रदान कर रहा है इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके का होना। और दिन प्रतिदिन जो आंदोलन है वो मजबूत होता जा रहा है, और सरकार जो है वो इस मोदी सरकार ने इंतजार किया था 100 साल तक बीजेपी ने, आरएसएस ने, देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन इन 100 और 115 120 दिनों में भी इनकी जो चूले हैं वो हिल चुकी है। इस मजदूरों के आंदोलन ने, इस किसानों के आंदोलन ने इस सत्ता को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए आज ये जो नहीं सुन रहे हैं, ये इसीलिए ही नहीं सुन रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जो कॉरपोरेट का दबाव है, और हमारे जो मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, वो यहाँ से इस आंदोलन से शपथबद्ध हो चुके हैं कि शहीद आजम भगत सिंह के सपने को हम पूरा करेंगे, और इस देश से सिर्फ मोदी का राज नहीं, इन पूंजीपतियों का राज, क्योंकि आज पूंजीपतियों के कठपुतली है मोदी। मोदी का राज सिर्फ नहीं है, वो अडानी का राज है, अंबानी का राज है, टाटा बिरला का राज है, मोदी सिर्फ उनकी कठपुतली है। अब ये कठपुतली राज नहीं चलेगा, इसको खत्म करने की शपथ मजदूरों ने ली है, किसानों ने ली है, और वो मजदूर किसानों का राज यहाँ से कायम होकर रहेगा। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल है, बहुत बेमिसाल है, क्योंकि 4 सालों में जितना महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, जितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये जितना बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है इन 4 सालों में, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जो युवा वर्ग है उसके अंदर असंतोष है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है, ऐसे बेमिसाल 4 साल पर उनको शर्म से डूब मरना चाहिए योगी जी को। जितने जरूरत है आज, क्या कितनी जरूरत है, जितने हमारे देश के छात्रों को जरूरत है शिक्षा की, उस आधार पर आप देखिए आप कहाँ खड़े होते हैं, आपके बनाए हुए विश्वविद्यालय कहाँ खड़े हुए होते हैं। और आप बात करते हैं विश्वविद्यालय बनाने की, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी है, नई शिक्षा नीति में पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए हैं इन लोगों ने। अगर वो सचमुच में शिक्षा का सत्र सुधारना चाहते हैं, तो शिक्षा का निजीकरण खत्म किया जाए, और सरकार को शिक्षा को अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकारी स्कूलों की क्या हालत उन्होंने कर दी है, ये भी जरा योगी जी जाकर देख लें, और पूरे देश भर के लिए मोदी जी देख लें। आप देखिए इस बात का जवाब देने, पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि एक उन्नाव के अंदर क्या हुआ, हाथरस के अंदर क्या हुआ, एक बदायूं के अंदर क्या हुआ, एक 50 साल की आंगनवाड़ी वर्कर के साथ क्या हुआ। इसीलिए हमें इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है योगी जी का कि उन्होंने 4 साल में क्या कमाया है। हम कह रहे हैं कि ऐसे 4 साल में उन्होंने देश को 40 साल पीछे कर दिया है। बंगाल पे कितना इसका फर्क पड़ेगा, बंगाल चुनाव पर इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। बंगाल के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी, पूरी तरीके से मोदी को उसका चेहरा नजर आएगा बंगाल इलेक्शन में, कि मोदी सरकार क्या है। ये देश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत लुट चुकी है, बहुत पिट चुकी है, लेकिन अब उनको जवाब देने का समय आ गया है, और वो बंगाल इलेक्शन में इन लोगों को जवाब मिल जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि, ममता कह रही है कि खेला हो पे, लेकिन मैं कह रहा हूं विकास हो पे। विकास जरूर होगा अगर मजदूरों किसानों के हाथ में राज होगा, तभी विकास हो सकता है। ये बात करें मोदी जी की, मैं कह रहा हूँ कि विकास हो गए, उनका कह रही है खेला हो गए।
मोदी जी के पूरे देश में जिस जो विकास किया है वो पूरा देश उसका साक्षी है। हम लोगों ने देखा है ऐसा विकास इस देश की जनता को नहीं चाहिए और ना ही बंगाल की जनता को ऐसा विकास चाहिए। देखिए खेल होगा सच्चाई के साथ, आंदोलन के साथ, देश की जनता की जो समस्याएं हैं उसके साथ, जो भी समस्याओं को लेकर आंदोलन की आवाज उठाएगा वही जीतेगा और लोग उसी को ही अपना विश्वास मत देंगे। हमारी सरकार बन गई, हमारे एनआरसी एनपीआर लागू होगा और बांग्लादेशी जो है उसको पीछे हटने का हटाएंगे। देखिए 11 दिसंबर 2019 से हमारे आदरणीय, हम उनको असम्मान नहीं करते क्योंकि हम पद की गरिमा रखते हैं, वो पद की गरिमा भूल चुके हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 11 दिसंबर 2019 के बाद शायद आप 100 बार ये बात बोल चुके हैं, लेकिन आप हमारा आपसे चैलेंज है कि आप इस देश के अंदर सीए एनआरसी लागू नहीं कर सकते। इस देश के अंदर हम कह रहे हैं किसी भी हिस्से में, किसी भी देश के हिस्से में आप सीए एनआरसी लागू करके दिखाइए, इस देश की जनता आपको सही जवाब दे देगी। अभी तक तो आपने शाहीन बाग में महिलाओं की ताकत देखी है, अब इस देश के किसान आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो चुके हैं, आपको एक स्वर में सब जवाब देंगे, आप लागू करके दिखाइए। अभी तक लागू किया क्यों नहीं, ऐसी क्या ताकत है आप जानते हैं? एकमात्र ताकत है वो है जनता के आंदोलन की ताकत। बंगाल में हिंदुओं को बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए लागू करना जरूरी है, बात अमित शाह छाती ठोक के कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर समस्या हिंदुओं और मुसलमानों की नहीं है, यहाँ समस्या है देश की जनता की, और देश की जनता बेरोजगारी जो है वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है। महंगाई जो अभी इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, ये जो बजट लेके आए हैं, इस बजट में आप लोग देख रहे हैं कि देश की जनता को क्या दिया है, किसको बख्शा उन्होंने? हिंदुओं को बख्शा? रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं उसमें क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ाए हैं? बताइए क्या वो मुसलमानों के लिए है? वो हिंदुओं के लिए भी है, सिख के लिए भी है। इसीलिए ये सरकार किसी की नहीं है। आज पूरे देश की जनता को ये सोच लेना चाहिए कि ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की के लिए ही नीतियां बना रही है, हमारे लिए कोई नीति नहीं बन रही है इस देश में। बंगाल में भाजपा सरकार नहीं आने वाली, कोई किसी कीमत पर भाजपा सरकार बंगाल के अंदर नहीं आएगी किसी कीमत पर, और 2024 में पूरे देश भर की जनता भी उनको बता देगी। पूरे देश दो से शुरू किया था मोदी जी, आपने दो सीटों से शुरू किया था, अगर 2024 में आप दो पर ना पहुंच जाएं तो इस देश की जनता भी के अंदर भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का खून नहीं है इस देश की जनता। हिंदुस्तान की आवाम के पास क्या विकल्प है? हिंदुस्तान की आवाम के पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है जन आंदोलन। जन आंदोलन, संगठित आंदोलन और एकजुट होकर आंदोलन करना होगा इस देश के मजदूर, छात्र, नौजवान, किसानों को, यही एकमात्र रास्ता है। सरकार भी बंगाल जा रही है, वो भी खुले मंच से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है बंगाल। ये देखिए ये इनका खेल है, चुनावी वादे करना और चुनावों के दौरान एकजुट हो जाना, ये इनका खेल है और कोई बात नहीं है। योगी जी भी जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम परंपरा को लगातार लागू किया जा रहा है बंगाल में, फिर से बांटने की राजनीति। कौन कह रहा है आपको मुस्लिम परंपरा लागू करो भाई साहब? किसने कहा आपको? देश की जनता ने मांग की थी क्या कि मुस्लिम परंपरा लागू करो या हिंदू परंपरा लागू करो? जो देश की जनता नहीं मांग रही है वो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं हम लोग कि महंगाई कम करो वो नहीं करनी भाई, बेरोजगारी जो है वो कम करो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दो वो नहीं देना आपको। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को शिक्षा दो वो नहीं करनी। जो देश मांग कर रहा है वो आप नहीं देंगे, लेकिन आप मुस्लिम रीति रिवाज लागू कर रहे हैं। अरे भाई किसने मांग की थी? कौन से मुस्लिम भाई हैं जो ये लागू ये मांग कर रहे हैं? ये सिर्फ इनका दिखावा है, धोखा है। मंच से खुले मंच से कह रहे हैं हमें लात मार दीजिए, लेकिन विकास को लात नहीं मार देते। देखिए क्या उनका जवाब, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते हैं, लेकिन वो बोल ही रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की तैयारी हो गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से एक 12 साल की लड़की को मंदिर के अंदर पानी पीने से रोका गया और अगर पानी पी के जब लौटा तो नाम पूछा गया, उसको मारा पीटा गया, वीडियो बनाया गया। देखिए जो धर्म है वो इनके लिए एक चुनाव का जीतने का एक तरीका है, और धर्म के बलबूते पर ही आज तक ये जो बीजेपी सरकार है ये अपना खेल खेलती आई है।
इसीलिए इस आंदोलन ने ही ये बात बता दी है कि हिंदू मुस्लिम के दुख एक हैं, तकलीफें एक हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा।